तो गाइस यहाँ पे स्ट्रीम हो चुकी थी ऑफ, थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हुआ उसके वजह से स्ट्रीम हो चुकी थी ऑफ, पर बैड लक के 03 और शिनचैन ओपी यहाँ पे फाइट ले रहे। बैड लक के 03 कहाँ है, बैड लक के 03 फिनिश हो चुके। ओके तो यहाँ पे प्लेयर 3 ने कर दिया उनको फिनिश, तो प्लेयर 3 के पास ओके प्लेयर 3 ने शिनचैन ओपी ने कर दिया फिनिश, प्लेयर 3 इजीली रिवाइव हो जाएंगे। 4 मैन स्टैंडिंग अभी भी है स्क्वाड, यहाँ पे 4 AM की भी लाइनअप है। TXTS कर दे एरर सोल को नॉक, तो शायद TXT वर्सेस एरर लाइनअप हो सकती है फाइट यहाँ पे, और शायद यहाँ पे शैकी तो इजीली रिवाइव कर देंगे। बैड बॉय हाई ग्राउंड एडवांटेज पे थे, पर बैड बॉय ने यहाँ पे स्प्रे नहीं लिया, शायद शॉर्टकट को भी एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई, तो शायद बैड बॉय को यहाँ पे ग्रैंड करना चाहिए अपने लिए, अपने टीम के लिए, और शायद TXT गॉब्लिन को गलत कर रहे हैं बैड बॉय यहाँ पे, क्या कर रहे हैं बैड बॉय। और शैगी यहाँ पे नीचे हो जाएंगे फिनिश, शैगी यहाँ पे बचे, शैगी क्लोज में, ऊपर बैड बॉय और नोआ इनके सामने नीचे, तो शायद यहाँ पॉइंट ऑफ शैगी ने यहाँ पे कर दिया चुके नॉक, तो नोआ यहाँ पे क्या करेंगे अपने टीम के, एक और नॉक कर दिया, तो TXT गॉब्लिन बचे शायद अपने स्क्वाड के लिए, ऐसा लग तो रहा है मुझे। यहाँ पे TXT गॉब्लिन ने कर दिया है 1v करके, जो भी 1v2 करके था शायद, तो भाई यहाँ पे बैड बॉय हो चुके हैं फिनिश, और एरर की लाइनअप हो चुकी है बाहर टीम से, तो DS के 2 बंदे यहाँ पे बचे अभी तक, मॉस्को YT भी यहाँ पे बचे, IFX के जीत करके वहाँ से फाइट ले रहे हैं, IFX यहाँ पे बूम बाम कर रही है, और IFX ने कर दिया है शायद IFX को बाहर कर दिया, INT टीम INT प्रतीक ने यहाँ पे 1v3 किया है शायद गाइस जी, INT प्रतीक पर यहाँ पे वो INT संकेत प्रज्वल को कर दिया, ओके INT प्रज्वल को कर दिया फिनिश, ड्रैगन के उज्जू सर्गियो, मतलब यहाँ पे ड्रीम्स की भी अल्टरनेट फाइट चल रही है, ड्रीम्स भी हो जाएंगे शायद, पांडा भी हो चुके हैं नॉक, तो सर्गियो और हॉरिजन वेल्स पे आती है दावेदारी, और उनके सामने ड्रैगन की लाइनअप, तो ड्रैगन की अक्की और साहिल हो चुके हैं नॉक, तो ड्रैगन के गॉन एक्स बचे, तो शायद रिवाइव करने के लिए जाने के लिए रिवाइव हो सकता है, पर यहाँ पे ड्रीम्स के लाइनअप रिवाइव हो चुके हैं, फिनिश कर दिया है मैडी ने, किल सेव कर लिया अपने लिए, मॉस्को टॉयटी की लाइनअप आ चुकी है एकदम सेंटर की तरफ, और शायद जोन प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेगी, बट यहाँ पे DS के शैगी यहाँ पे M24 कलेक्ट करने के लिए, पर शायद यहाँ पे ड्रैगन की लाइनअप बैकफुट पे जाती हुई, और मराठी आदि हाई ग्राउंड पकड़ कर बैठे गैंगस्टर शुभम के साथ, शायद चेक करना चाह रहे होंगे क्योंकि जयर पॉक्स ओपी की लाइनअप मतलब 4 AM गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, अनुबीज का लॉस है, पर गैंगस्टर की लाइनअप यहाँ पे चढ़ के बैठी है पहाड़ पे, 3v3 का सीनारी है गाइस यहाँ पे, थोड़ा सा हाई ग्राउंड एडवांटेज हम लोग भी देखेंगे, गैंगस्टर शुभम का एक अड़ी अच्छा सा एंगल है, पर शायद ये फाइट देखने लायक होगी क्योंकि दोनों टीम तगड़ी है, जायरो फॉक्स ओपी हाथ तगड़ी है, तो वहाँ पे गैंगस्टर शुभम तगड़े, और मराठी आदि का तो नाम ही मतलब गाइस, मराठी आदि इज ऑलवेज ओपी, तो 4 AM के कुलबा यहाँ पे हो रहे हैं आगे, थोड़ा सा अग्रेसिव मोड तो जारू कर रहे हैं, मॉस्को YT ने कर दिया GS के शैगी को नॉक, M24 का चटकारा आ चुका है, थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई गाइस यहाँ पे, और जाएंगे हम लोग नेट पे शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे गैंगस्टर शुभम को थोड़ा सा डैमेज पड़ा तो है, बट यहाँ आदि की पोजीशन रिवील नहीं है अभी तक, और जायरो फॉक्स ओपी भी अलग कवर फायर के लिए बैठे हैं, पर शायद यहाँ पे ग्रेंज तो किए जा रहे हैं गैंगस्टर शुभम की ओर, तो शायद दिक्कत बढ़ती है गैंगस्टर शुभम के लिए, जोन के अंदर तो ईजिली थोड़ी देर तक फाइट ले सकते, 1-2 मिनट तक तो ईजिली फाइट हो सकता है, इनका टाइम तो है गाइस, टाइम लेके फाइट लेनी चाहिए, ड्रैगन उज्जू पे कर दिया था मॉली पर, ड्रैगन उज्जू यहाँ पर बच चुके जायरो फॉक्स ओपी, देखते हैं गाइस क्या होता है गैंगस्टर, हाँ ये नेट तो किए जा तो रहे पर शायद डैमेज तो लिया जा रहा है हल्का हल्का, ये फाइट देखने लायक है,
गाइस ये फाइट देखने लायक तो है, पर इतना देर वेट कर रहे हो गाइस यार, थोड़ा तो जज करो, रश करो, थोड़ी इंजॉयमेंट दिखाओ। होल्ड करके बैठे दोनों, दोनों के दोनों। शायद यहाँ पे गैंगस्टर की लाइनअप के पास एडवांटेज तो है, हाइट एडवांटेज है, पर ओवर एम के बंदों के पास भी डीप का कवर है, तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैड के शुभम, मैड के शुभम, सरगियो ने मॉस्को ट्वाइटी को नॉक कर दिया, तो शायद हम लोग वहाँ जाने चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस थोड़ी सी फाइट देखने लायक होगी। मॉस्को ट्वाइटी मॉम को भी हो चुके हैं नॉक, ओके मॉस्को ट्वाइटी भी हो चुके हैं, ओके तो यहाँ पे मारियो भी हो चुके हैं फिनिश, तो मॉन्ग कॉपी और मॉन्ग कॉपी को यहाँ शायद रिवाइव सक्सेसफुली हो सकता है, क्योंकि पांडा की लाइनअप भी आ चुके हैं ड्रीम्स की लाइनअप, तो शायद दिक्कत बढ़ेगी। मैड के डायनामोस को सिंचान ओपी को, तो शायद यहाँ पे फाइट हो सकती है। जायरोफॉक्स ओपी विल्साय को लेते हुए नॉक, तो शायद जायरोफॉक्स ओपी ने विल्साय को फिनिश भी कर दिया, तो गाइस गैंगस्टर के शुभम 24K मराठी आदि को, ओके गाइस डबल थर्ड पार्टी, शायद नहीं गाइस थर्ड पार्टी हो चुकी है यहाँ पे 24K ऑफिशियल पीछे आते हुए, और 4 AM की लाइनअप गाइस, तो किल लेके गए दोनों तरफ से यहाँ पे गैंगस्टर के लाइनअप का जो होल्ड करके बैठे थे पे, तो 4 AM के कुल हो चुके हैं नॉक, और जायरोफॉक्स ओपी यहाँ पे लीड तो है, रिवाइव तो हो रहा है, पर तब तक 24K ऑफिशियल के लाइनअप का कुछ आएगा ज़रूर। ग्रेन तो खींचा है तन्मय का, तन्मय का ग्रेन यहाँ पे ओपी जाएगा कि नहीं देखेंगे। सोल के तेजस ने वेदान को कर दिया, शायद सोल की लाइनअप वहाँ पे वेदान के ऊपर पड़ते हुए भारी, और शायद यहाँ पे वेदान के प्लेयर 3 लास्ट मैन स्टैंडिंग जा रहे, रुके तो थे पर अभी जाएंगे जोन के लिए। पीछे से स्टोन की लाइनअप भी आ रही, शायद स्टोन के लाइनअप को रॉकी को उतारा जाएगा प्लेयर 3 की तरफ से, प्लेयर 3 स्प्रे लेंगे, ज़रूर लेंगे, और स्टोन रॉकी जा चुके हैं जोन में, तो ड्रीम्स की लाइनअप यहाँ पे डीएस के सामने और मॉस्को ट्वाइटी के सामने। ट्वेंटी फोर के ने इशू कर दिया 4 AM को नॉक, तो शायद यहाँ पे फाइट हो चुकी है स्टार्ट, तो ड्रैगन ओके ऑल डेड हो चुके हैं यहाँ पे 4 AM 24 के ऑफिशियल इन द ओपी इन द चैट, तन्मय के हो चुके 4 किल, दीशू के 2, निशू के 2 किल, और कुरु मतलब यहाँ पे मुझे नाम तो याद है उनका, स्टोन के रॉकी प्लेयर 3, वेयर इज प्लेयर 3, प्लेयर 3 जा चुके हैं बग्गी पे, बग्गी लेकर सीधा जोन जाएंगे, स्ट्रोंग के रॉकी उनका वेट कर रहे हैं पीछे से, 24 के ऑफिशियल भी इजीली जोन जाते हुए, ड्रीम्स की लाइनअप यहाँ पे शायद जोन जा सकती है इजीली, लास्ट ऑफ यहाँ पे कहाँ बग्गी तो बस्ट हो चुकी है पूरी, मैड की लाइनअप भी आ चुकी है जोन में, 3 मैन स्टैंडिंग है सामने ड्रीम्स का चैलेंज, ड्रीम्स की लाइनअप ने परफेक्ट एक हल्का सा एक जो छोटा सा कंपाउंड है वो पकड़ लिया, ये गाइस यहाँ पे कवर के लिए बहुत चीज़ है, और शायद ऊपर से जो स्क्वाड आती है थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, लिक्विड प्लेस मतलब IFX के लाइनअप गाइस यहाँ पे 4 मैन स्टैंडिंग है, अभी तक शांत बैठी है, पर जब शेर जब शांत बैठता है तब कमबैक जब करता है तो दहाड़ता है गाइस, तब जैसे दहाड़ता है वैसे ही ये लिक्विड प्लेस दहाड़ेंगे थोड़ी ही देर में, और क्योंकि उनके साथ IFX इंडक्शन है तो उनको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी दहाड़ने में, तो ज़रूर इनका दहाड़ना देखेंगे। प्लेयर 3 अकेले जा रहे हैं अपनी टीम के लिए, TXT के 2 बंदे जा रहे हैं, ड्रीम्स की लाइनअप यहाँ पे जाके तो होल्ड को तो कर चुकी है, DS की लाइनअप पीछे से आ रही है, शायद DS की लाइनअप आ चुकी है, लेफ्ट नीचे से तो ऊपर से तो फ्लैंक दिया जा रहा है शायद ड्रीम्स की तरफ से, पर वो जाएंगे सीधा जोन के लिए, ड्रीम्स के बंदों ने तो स्पॉट टर्न नहीं किया, 24K भी रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है, इजीली जोन जाएंगे, स्टॉर्म के रॉकी भी जोन जा सकते हैं, प्लेयर 3 आ चुके हैं जोन में, आके हीलिंग तो कर रहे हैं, उनके पीछे लिक्विड की लाइनअप है, दिक्कत बढ़ेगी उनके लिए, TXT के 2 बंदे जाएंगे जोन के लिए, ड्रीम्स के लाइनअप ने कब्जा तो कर लिया, जोन प्रेडिक्शन कैसा रहेगा देखेंगे ज़रूर। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी क्योंकि ड्रैगन एक्स के सामने हैं
टीम आईएनटी के प्रतीक और किया था उन्होंने 1v3। तो शायद गाइज यहाँ पे टीम आईएनटी प्रतीक यहाँ पे फॉर्म में तो है, पर शायद ये जोन उनके फॉर्म में नहीं है। और गाइज आ चुके हैं और शायद बैंडेज मारना चाहिए इनको, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ओके, पर शायद इसके बाद नहीं हो जाएगा क्योंकि उनको जोन जाना है, जोन जाना है उनको 550 मीटर जाना है, पर इतना लेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और टीम आईएनटी भी सॉरी 24 के ऑफिशियल भी आ चुके हैं जोन में, मॉस्को ट्वाइटी की लाइनअप सोलो मैन स्टैंडिंग, मॉस्को ट्वाइटी अपनी टीम के लिए आ चुके हैं जोन में, लास्ट स्ट्रोक की लाइनअप मतलब उसकी लाइनअप आ चुकी है जोन में। और जगाया जाए जोन स्ट्रोम की तरफ और प्लेयर थ्री को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा जोन में जाने के लिए लेफ्ट से। 24 के ऑफिशियल को भी जोन ईजी है, शायद रॉकी को स्पॉट कर देंगे और ड्रीम्स की लाइनअप की तरफ जाएंगे। तब तक पांडा पांडा है यहाँ पे पांडा और गाइस सर्गियो जॉर्ड जॉर्ड जो सर्गियो है उनके तो 5 किल हो चुके हैं, तो गाइस चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सर्गियो ने अपना बूस्ट लेवल बढ़ा लिया है। तो अभी शायद सामने बढ़ेगा टेंशन मॉस्को क्वाइटी की तरफ से और टीम आईएनटी के प्रतीक शायद जो लास्ट जोन के बाहर थे वो तो ओवरफिनिश हो चुके। डीएस के लाइनअप दोनों बंदे यहाँ से फ्लाइंग दे के तो कर तो रहे, तो ठीक है। टीएक्सटी के निंजा 24 के पूरू ने कर दिया है नॉक, लिक्विड प्लेयर शायद थोड़ी सी दिक्कत में आती है और मैड पैट्रिक को कर दिया नॉक, तो शायद यहाँ पे आई एफ एक्स के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत होती है काम 25 के, तो शायद किधर गए लास्ट मैन स्टैंडिंग अपने टीम के लिए और कुछ नहीं कर पाएंगे अपने टीम। सोल के तेजस और पैट्रिक, शायद सोल के पैट्रिक को इजीली रिवाइव तो हो जाएगा पर थोड़े से के लिए आगे दिक्कत बढ़ सकती है। 24 के ऑफिशियल यहाँ पे जोन में आ चुकी है ईजिली गाइस, किल पे किल लिए जा रहे हैं और जोन में आते जा रहे हैं। टीम्स की लाइन अभी रोटेशन निकल चुकी है, 8 किल तो हो चुके हैं टीम के, शायद गाड़ी तो बस्ट हो चुकी है पूरी। हॉरिजन वेल्स के साथ जोन में जाएंगे, हील करना चाहिए उनको, शायद हील करने के लिए रुकेंगे और हील करेंगे ज़रूर। स्ट्रोम के रॉकी सोलो मैन स्टैंडिंग अपने टीम के लिए, टीएक्सटी के ऊपर भी किया जा रहा है, प्लेयर थ्री भी अपने टीम के लिए बचे, शायद जोन में आने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, आ भी सकते हैं जोन के लिए ईजिली और चिकन भी आ सकता है इनके पास क्योंकि गाइस ये वो बंदा है जो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, किधर भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और शायद प्लेयर थ्री यहाँ पे अंडर एस्टिमेट बिना गए, शायद उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है, शायद उनको इनका मैच गाड़ी के डैमेज मारेंगे या मारेंगे भाई, जोन डिपेंड करेगा क्योंकि ड्रीम के ऊपर एक अच्छा जोन साइड है भाई, क्योंकि उनके बाजू में जोन है और उनके पीछे आजू बाजू से कोई नहीं है। यहाँ पे जो थोड़ी सी सिचुएशन है, हाँ ये क्या तो कर रहे हैं यहाँ पे, ओके पैट्रिक यहाँ पे नॉक हो चुके और उनके तेजस कहाँ पे देखेंगे, स्मोक में तो है और 24 के पूरू ने कर दिया नॉक, तो 24 के की डीपी यहाँ पे चल रही है, 24 के तन्मय ने कर दिया प्लेयर थ्री को फिनिश, तो शायद यहाँ पे 24 के ऑफिशियल रुकने का नाम नहीं ले, 11 किल तो हो चुके हैं, आईएफएक्स इंटेक्शन ने कर दिया गाड़ी बना कर, सोल तेजस तो टेंटैक्शन के पास जाएंगे, सोल तेजस ने कर दिया टेंटैक्शन को, ओके सर्गियो ने कवर फायर दिया और टेंटैक्शन हो चुके हैं। तो ड्रीम्स यहाँ पे अलग गाइस, ये चिकन ड्रीम्स के नाम हो सकता है तो यहाँ पर एडवांटेज है पर दोनों तीनों की सबसे बड़ी उनको होल्ड करना है उनको। यहाँ पर डीपी चल रही है किसकी, तो लास्ट लेफ्ट साइड से डीपी पर जो भी आवाज़ आ रहा है यहाँ पे किल फिट में दिखाई तो दे रहा है। और गाइस देखते हैं 5 वर्सेस ड्रीम्स हो सकती है, डीएस के दो बंदे अभी भी अपने टीम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, दो ही बंदे थे शायद आज इनके पॉइंट्स लेने नहीं जाएंगे क्योंकि गाइस टू मैन स्टैंडिंग यहाँ पे किक किया जाता है, गलती से उनको किक करना भूल गए रहेंगे हमारे शैगी हीरो के, तो इसके वजह से इनके पॉइंट्स तो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि गाइस टू मैन स्टैंडिंग यहाँ पे खेल तो नहीं सकते, अगर कभी मैप डाउनलोड नहीं रहेगा तो ठीक है पर अगर दो ही बंदे खेल रहे तो किक किया जाएगा, रूल इज रूल। अरे 24 के धीरो ने कर दिया सर्गियो को ना, तो यहाँ पे ड्रीम्स के लाइन में भी आते हुए 24 के ऑफिशियल इजीली आ चुके हैं जोन में, एज आ चुके तीनों बंदे चारों बंदे जोन में आ चुके हैं
जाता है दिक्कत है बढ़ती है। हॉरिजन वेल्स, हॉरिजन वेल्स किधर है? डीएस के बंदे भी जोन में आ चुके हैं धीरे धीरे करके, और 24 के जा चुके हैं। 3 मैन शाइनिंग तन्मय भी हो चुके हैं नॉक, तो शायद तन्मय को यहाँ पे इजीली रिवाइव हो सकता है कि नहीं, पर तन्मय यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा खेले थे तन्मय, 5 किल तो निकाल लिया था, पर हमने टीम के लिए लास्ट तक टिके नहीं। पुरू और निशु दो बच्चे अपने टीम के लिए। ड्रीम्स के पांडा हो चुके हैं नॉक, तो ड्रीम्स के पांडा को इजीली रिवाइव तो मिल रहा है सर्गियो की तरफ से। स्मोक कर देना चाहिए रिवाइव, गाड़ी तो बच्चे की जोन में जाने के लिए। और लास्ट ऑफ की डीपी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, डीपी पे डीपी। और ओह गाइस हेड क्या मारा, जो भी मारा शायद लीक से अपने को स्कोप दिखाने पर, जो मारा हेड ही मारा उन्होंने लास्ट को। वो क्लीन द चैट गाइस, अब जो चलिए रुकने के बंदे यहाँ पे दिक्कत में आते हैं। हॉरिजन वेल्स हो चुके हैं, सॉरी पुरू, निशु भी जोन में ही है गाइस, और शायद यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी ड्रीम्स की लाइनअप की तरफ, क्योंकि ड्रीम्स के दो ही बंदे बचे। और राइट साइड 24 के निशु है, तो ओके ये भी जोन में तो है शायद, ऐसे लग तो रहा है। लास्ट ऑफ को पूरू ने कर दिया, ड्रीम जाते हुए पांडा को लास्ट ऑफ यहाँ पे हेड पे हेड दिए जा रहे हैं। पूरू ने कर दिया पांडा को, कहाँ बस से फिनिश हो जाए। टू की सिचुएशन है, डीएस के आदर्श ने कर दिया सर्गियो को नॉक, तो गाइस यहाँ पे डीएस के आदर्श होने का नाम नहीं ले रहे, सर्गियो हो चुके हैं नॉक। और शायद लास्ट ऑफ के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई, लास्ट ऑफ तो जोन में आ चुके पर बाकी टीम में जोन में नहीं आया। 24 के आशू निशु ओके और धीरू सॉरी पूरू दोनों आ जाएंगे जोन में, सर ये हो चुके हैं फिनिश। तो भाई जोन में तो सबको आना है सिर्फ लास्ट होप को छोड़ के। डीएस के बंदे स्मोक करके जोन में आने के लिए ट्राई करते हैं, पर यहाँ पे लास्ट होप बक्स नहीं देंगे, और जोन जा रहा है यहाँ पे डीएस की तरफ। डीएस के पास जोन है और शायद यहाँ पे 24 के उधर से और लास्ट होप इधर से, तो शायद डीएस का यहाँ पे सैंडविच हो सकता है, या डीएस यहाँ पे होल्ड करके दोनों टीम को दोनों साइड से कॉट ऑफ कर सकती है। क्या होएगा देखेंगे जरूर। लास्ट ओपन यहाँ पे बैकपैक तो उतार दिया है अपना, देखो गाइस ये कैसे घुस रहे हैं अंदर, और डीएस की तरफ चलते हैं अपन लोग। डीएस के आदर्श यहाँ पे, डीएस के आदर्श और शैगी है दोनों लेटे हुए हैं अपनी जगह पे। पुरू पुरू यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, पुरू 24 के पुरू। गाइस यहाँ पे लास्ट ओपन कर दिया डीएस के आदेश सुनाओ, तो शायद डीएस शैगी बचे, पर यहाँ पे पूरू ने कर दिया स्पॉट, पूरू ने कर दिया लास्ट ओपन को फिनिश। शायद यहाँ पे डीएस के शैगी लास्ट मैन स्टैंडिंग 2v1 की सिचुएशन है, और शायद इनको मालूम है पूरू को, तो शायद ग्रेन तो खींचा गया है और जाया गया है शैगी के ऊपर, तो शैगी को पड़ा 20 का डैमेज होता है यहाँ पे फिनिश। गाइस यहाँ पे 24 के ऑफिशियल ओपी इन द चैट गाइस, पूरू यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे, 7 किल लिए हैं तन्मय के, 5 किल 2 किल निशु के, टोटल हो चुके हैं 7 प्लस 5 12 और 14 किल लेके 24 के ऑफिशियल आ चुकी है विनर, विनर चिकन डिनर गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 24 के ऑफिशियल ओपी इन द चैट, और पूरू और तन्मय का तो गाइस लाजवाब, दोनों क्या खेल रहे थे, जो खेल रहे थे वो कमबैक आ चुका है, और आ चुका है तो भाई चिकन भी ज़रूर आएगा। डीएस के शैगी यहाँ पे 1 किल लिए, डीएस के आदर्श ने 3 किल लिया, तो टोटल 4 किल हो चुका है। टीम ड्रीम्स यहाँ पे हॉरिजन वेल्स के 3 किल, लास्ट ऑफ के 4 किल, सर्गियो का 7 किल था और पांडा का 1 किल, तो टोटल गाइस 7 प्लस 10 और 15 किल लेके ड्रीम्स आ चुके हैं थर्ड पोजीशन पे। तो गाइस ड्रीम्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ड्रीम्स, क्योंकि जो गेम प्ले था सर्गियो का और जो गेम प्ले था लास्ट ऑफ का, पांडा का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी फिर से गिर रहा है, क्योंकि उस दिन उन्हें 1v4 गिर के दिखा, उसके बाद वो गायब होते गए, तो गाइज उनको थोड़ी सी ज़रूरत है ड्रिल्स करने की, देखते क्या होता है, पांडा कमबैक करेंगे। तो गाइज ड्रीम्स ओपन द चैट, TXT भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उनके 6 किल हो चुके हैं, TXT गॉबलिन और एस के 2-2 किल, तो टोटल गाइज TXT के 6 किल हो चुके हैं, TXT आ चुके हैं 4th पोजीशन पर, तो TXT ओपन द चैट ऑल्सो गाइज मैड के टोटल सोल तेजस के यहाँ पे 7 किल है, टॉप फ्रैगर में अच्छा होके पुरू भी है उनके साथ, तो गाइस सोल तेजस ओपी गाइस, क्योंकि 7 किल हो चुके हैं, 8 किल टोटल मैड के थे और सोल के तेजस के 7 किल है उसमें से, तो गाइस सोल तेजस ओपी मैड के सोल तेजस ओपी।
और IFX की गाइस यहाँ पे बात करें तो गाइस शेर धाड़ा पर थोड़ा सा लेट धाड़ा और शायद शिकार भी हो गया, क्योंकि IFX यहाँ पे 4 किल के साथ 6 पोजीशन पे जाती है। एलिमिनेट प्लेयर 3 यहाँ पे एरर वेदांत स्पोर्ट की 2 किल हो चुके, तो शायद एरर वेदांत की लाइनअप नीचे नीचे ढल रही है। स्ट्रोम की लाइनअप यहाँ पे 0 किल पे गई, मॉस्को पार्टी की लाइनअप 0 किल पे, टीम INT प्रतीक ने 1v4 किया है, शायद 4 किल्स हो चुके तो गाइस किया रहेगा। तो गाइस इनके भी 2 बंदे आए क्या मालूम, तो शायद दिक्कतें बढ़ती हुई। ड्रैगन की लाइनअप यहाँ पे 0 किल पे जा चुकी है, 4 AM के टोटल 3 और 2 5 और 1 6 किले के 4 AM भी आ चुकी है, पर शायद थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है 4 AM के लिए, क्योंकि नीचे जा रहा है उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो शायद क्या मालूम नहीं कब कमबैक आएगा, आएगा जरूर आएगा। गैंगस्टर के लाइनअप का भी आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस 0 था, 0 किले लेके गए 13 पोजीशन पर। IFX की लाइट 1 किले के 14 पोजीशन पर। एरर की लाइनअप यहाँ पे 3+3 6 किल लेके गई 15 पोजीशन पे। स्नाइपर मतलब 7MW भी 0 किल पे, QEZ के डेड शॉट और एटमॉस्फेयर, गाइस एटमॉस्फेयर ने किया था वहाँ पे सेव अपनी टीम के लिए, पर शायद आगे जाके मर गए क्योंकि 4 किले के 17 पोजीशन पे है, तो QEZ का एटमॉस्फेयर और डेड शॉट ओपी। तो होप की लाइनअप के पास जाएंगे, होप के रैम्बो का 1 किल है, साइको ब्रेम के करण ओपी के 2 किल और नोटाकी का 1 किल, NGT की लाइनअप का 1 किल, बाकी तो गाइस 0-0-0। एक्शन टी जीतू का यहाँ पे 1 किल। तो गाइस 24 के ऑफिशियल ओपी इन द चार्ट गाइस, और ड्रीम्स भी आल्सो ओपी इन द चार्ट। तो गाइस मिलते हैं अगले मैच में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।